यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं श्रीजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष पुनिया और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल काल की गेम ऑफ लाइफ। आज हमारे साथ हैं योहान टेंगरा। इनका नाम आपने सुना होगा इंटरनेट पे, आज के दिन ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे इश्यूज के रिगार्डिंग जिसकी आज के दिन मुझे भी लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि आपने पिछले साल देखा होगा सारा का सारा साल किस तरीके से लोगों का घर के अंदर बीता और उसकी वजह से किस तरीके से इकोनॉमिक स्लो डाउन आया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हम आज भी फेस कर रहे हैं। तो मैंने योहान को इनवाइट किया अपने चैनल पे कि आप मेरे चैनल पे आइए और मेरे चैनल के थ्रू मेरी ऑडियंस को कुछ मैसेज दे दीजिए जो रिक्वायर्ड है मेरे ख्याल से। तो योहान बताइए सर, थैंक यू आशीष भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे पहली बार वीडियो पे बात करके। हम काफी समय से करने वाले थे पर आई एम ग्लैड के फाइनली यू नो दोनों को टाइम मिला और दोनों कर पाए। सो पहली बात तो मैं आपके वर्क को काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने आई थिंक लास्ट ईयर भी किसी ने मुझे आपके गेम ऑफ लाइफ का वीडियो भेजा था, सो आई वॉज हैप्पी टू नो कि तब भी लास्ट ईयर भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स है भारत में जिनको मैं तब तक नहीं जानता था जो ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑनेस्टली मैं स्ट्रगल करता हूँ लोगों को ढूंढने के लिए जो सच्चाई हो, दुनिया की सच्चाई को समझते हैं। तो जब कोई सर्कल में नहीं रहता और बाहर वाला मिलता है भारत में, ऐसा लगता है कि भाई चलो कुछ होप है वैसे। तो वो पहला परिचय था आपका लास्ट ईयर। और जहाँ तक क्या बात है, मतलब मैं क्या करता हूँ, मेरा हिस्ट्री क्या रहा है, तो मेरा बैकग्राउंड बेसिकली फाइनेंस का है। मैंने अकाउंट्स एंड फाइनेंस से ग्रेजुएट किया बॉम्बे की केसी कॉलेज से। उसके पहले मैं एचआर कॉलेज में था, ये बॉम्बे की सबसे बड़े रेप्यूटेड यू नो दो कॉलेजेस है। पर मुझे मतलब ग्रेजुएशन करने के थोड़ा पहले ही इन सब चीज़ों के बारे में पता चलने लगा और तब मैं पढ़ रहा था एजेंडा 21, एजेंडा 2030 के बारे में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, मुझे मतलब तब समझ आ रहा था। तो मैं सोचा यार ये सब होने वाला है, फिर इसका क्या मतलब है। वैसे AI और ऑटोमेशन ये सब इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट करने वाला है और ये लोग फ्यूचर में लॉकडाउन करने वाला है, जिसके बारे में मुझे पता था पहले से क्योंकि मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे। और यू नो ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं और क्या टाइप ऑफ फ्यूचर होने वाला है जिसमें कोई डिजिटल सर्टिफिकेशन, वैक्सीन्स और ये बेसिकली माइक्रोचिपिंग नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मैं जब ये सब पढ़ रहा था कॉलेज में आई वाज लाइक कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। तो मुझे तो ड्रॉप आउट करना था एक्चुअली, पर पेरेंट्स ने बोला कर ले, कभी लाइफ में कुछ करना रहेगा तो काम लगेगा। खत्म कर लिया। पर तब से मैंने बेसिकली मेरा म्यूजिक में भी करियर था, मैं डिस्क जॉकी था, मैंने सनबर्न के लिए भी बेसिकली बजाया था गोवा में, तो हम लोग वो लेवल पे पहुंचे थे बॉम्बे के साथ। अरे सही भाई, फिर तो हम कोलैब कर सकते हैं म्यूजिक में भी भाई, तेरा भाई भी थोड़ा बहुत करता है। यानी प्रोड्यूस नहीं करता था, सिर्फ मिक्स करता था, पर बॉम्बे के साथ जो भी करेगा बजा चुका था। और फिर हम लोग गोवा में सनबर्न पे भी, सनबर्न फेस्टिवल में बजाए थे। तो मैंने वो सब छोड़ के इंटरेस्ट अपने मैच करते हैं राइट जी, म्यूजिक में काफी मेरा इंटरेस्ट है। तो वो सब मैंने छोड़ने का डिसीजन लिया क्योंकि आई वाज लाइक मुझे अगर ये सब फुल टाइम करना है तो सब। और एक सवाल और, जब मुझे इस सब के बारे में पहली बार पता लगा था जब मैं इंजीनियरिंग में था, चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरे माइंड ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि भाई एक सिंगल कम्युनिटी, छोटी सी कम्युनिटी कैसे कंट्रोल कर सकती है वर्ल्ड को यार, क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों के अंदर था और दुनिया देखी नहीं थी, समझ नहीं थी, इतनी अकल नहीं थी, बुद्धि इतनी नहीं थी। तो जैसे जैसे प्रोसेस में आगे गया, जैसे एमबीए में भी मुझे इसके बारे में दोबारा किसी ने रिमाइंड करा, अलग अलग लोगों से आपको कहीं ना कहीं से पता लगता है इन चीजों का। तो वहां से जब मैंने, जैसा आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड है, जो पैसे को समझने लगता है मेरे हिसाब से वो इस गेम को समझ सकता है राइट। तो मार्केटिंग एंड फाइनेंस था, वहां पे मेरा थोड़ा सा अपने आप ही मतलब इसकी तरफ रिसर्च गई और मेरे ख्याल से आपने भी उसी तरीके से रिसर्च किया। और आपका मैंने इंटरव्यू भी देखा था डेविड आइक के साथ, जो मेरे ख्याल से पिछले 30 साल से इन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे हैं राइट। जी, तो उन्होंने मुझे जगाया था एक्चुअली, उनका पूरा दिन का लेक्चर देख के मैं पहली बार मतलब मुझे एक्चुअली सीरियसनेस पता चली थी। तब तक तो सिर्फ इंटरेस्ट ले रहा था, मतलब डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे थे ऑनलाइन दोस्तों के साथ वगैरह, अरे होगा नहीं होगा। पर फिर उनका लेक्चर सुना, 9 घंटे का था, तो तब से लाइफ बदल गई मेरी। आवाज लगे इससे इम्पोर्टेंट और कुछ है नहीं। जो तब वो रियलाइजेशन आया, तब तो मैं मतलब मेरा CFA भी करने वाला था, CA भी करने वाला था, MBA भी करने वाला था। आई वाज लाइक जब तक मैं करूंगा तब तक तो हम सब गुलाम होंगे। तो पहले गुलामी हटा देते, गुलामी को मतलब टैकल करते हम लोग, फिर जाके करेंगे जो कर। तो उस हिसाब से मैंने मेरी रिसर्च चालू की, यू नो उसको ऑलमोस्ट अभी 6 ईयर्स हो गए पहले।
मैंने सालों से जो भी बुक्स और एरियाज में इंटरेस्ट रहा है मैंने कलेक्ट किया है, तो मेरी बेसिकली 4 साल तक मैंने बस रिसर्च किया और यू नो फेसबुक पे ही बात करता था, मतलब मेरे जो भी दोस्त थे सर्कल में थे वो सब जानते थे, पर वो टाइम पे किसी को सुनना नहीं था, मतलब अभी जितना इंटरेस्ट आ रहा है और अभी जितना वो लोग आ रहा है, वो लोग आपको मेरे ख्याल से उन्होंने सबने रिजेक्ट किया होगा आपको, राइट? कि रिजेक्ट क्या, लोग हंसते थे, लोग को लगता था पागल हो गया, क्राइसिस आ गया लाइफ में, इसके साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो ये मतलब बेसिकली पैरानोया में चले गया है, इसको सब चीज कंस्पिरेसी लगती है, तो वो टाइम पे लोग ऐसा सोच रहे थे। अवेकनिंग, मेरे ख्याल से आपकी अवेकनिंग भी उस टाइम पे इन द प्रोसेस होगी, क्योंकि जैसे ये अवेकनिंग का ये एक साइन है कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर जो गेम है वो आपको कॉल करता है कि भाई तू आजा, अब तू जाग, तू नियो बनने का तेरा टाइम आ गया है, राइट? तेरा योद्धा बनने का टाइम आ गया, तू जाग, मॉर्फियस आएगा तेरे सामने, वही 2 गोलियां रखी जाएंगी, तू नींद की गोली लेगा या जागृति की गोली लेगा। तो अगर आप जागृति की तरफ जाते हो तो एक ऐसा टाइम आता है कि हर कोई उस गेम के अंदर आपको एक तरीके से रिजेक्ट करता है, और वो ही कारण बनता है आपका अपने ऊपर भरोसा करने का और सेल्फ ग्रोथ के प्रोसेस पे चलने का, कि भाई मैं अकेला ही उखाड़ दूंगा इनके ऐसे तैसे, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, राइट? तो ये मेरे पास नहीं होता तो अब तक मैं ये काम नहीं कर पाता, क्योंकि राइट क्योंकि हर कोई ने, और जब दोस्त बेसिकली बहुत सारे दोस्त लाइफ से निकल गए, फैमिली के साथ डिफिकल्ट हो गया, आसपास वाले, नहीं वो सारे घूम के आएंगे भाई, वो सारे घूम के आ गए, बहुत सारे आ गए, हाँ वो सारे घूम के आएंगे और बोलेंगे गुरुजी बताइए कुछ क्या कर रहे हैं आप, राइट? बहुत आ गए वैसे तो, अरे तो भी सभी आ जाएंगे, मैं तो बता रहा हूँ, मैं फिनोमेना डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि यार कि अभी भी मतलब जो लोग नए हैं इसमें या जिनको अभी अभी पता चला है वो ये फ्रस्ट्रेशन फेस कर रहे हैं कि मेरे दोस्तों के साथ इश्यूज है, अभी डर के साथ वो डर भी तो रहे हैं यार। एक और चीज, इस टाइम पे प्लैनेट की वाइब्रेशंस हैं जो वो बहुत फियर की रखी जा रही हैं, लोग डर रहे हैं, और जो लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में है वो सबसे ज्यादा डर रहे हैं, क्योंकि उनको तो बड़ी बड़ी चीजों के बारे में पता लग रहा है जो कभी तक सोची भी नहीं थी। अब किसी को हार पर अगर समझा दो आप तो उस बंदे के तो दिमाग खिल जाएगा, वो बोलेगा नहीं दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो नहीं, मेरी भी बराबर से फट गई थी। मैं पहले जब माइंड कंट्रोल और सेटनिज्म के बारे में पढ़ रहा था, पेडोफिलिया, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, किसी की मतलब किसी को भी बुरा लगता है क्योंकि इनपे जो टॉर्चर होता है और ये लोग जिस चीज से गुजरते हैं वो आप कभी चाहोगे नहीं कि आपके दुश्मन पे भी वो हो, तो वो सब चीजों के बारे में पता चलता है, तब एक टाइप का एक फेज रहता है जहाँ पे यू नो डिप्रेशन नहीं कहूंगा पर बहुत एक लो फेज होता है जहाँ पे आप प्रोसेस नहीं कर पाते बराबर, तो उसके लिए टाइम ऑफ लेना पड़ता है और फिर से आना पड़ता है। तो आई थिंक अभी बहुत सारे लोग यू नो वो फेज से भी गुजर रहे हैं क्योंकि उनको जस्ट पता चल रहा है कि दुनिया नहीं थी जैसे उनको लगा था और उनका जो बबल है वो टूट चुका है पूरा, और हमारा भी एक टाइम पे बबल था जब हमको अगर किसी ने आके बोला होगा तो हम सोचते होंगे कि वो पागल है, पर जब हमारा फूटा और मतलब हमारा माइंड एक्सपैंड हुआ तब हम उससे कनेक्ट कर, वो वाइब्रेशन से हम कनेक्ट कर पाए। तो अभी जैसा मैट्रिक्स की मूवी के अंदर, जैसा मूवी के अंदर दिखाया कि वो बंदा एक कास्क उसके अंदर है, फ्लास्क के अंदर है और वो बाहर निकल रहा है उससे, तो एक मतलब उसका इल्यूजन टूट रहा है और वो एक तरीके से अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के साथ जो वो आइडेंटिफाई करता था स्मॉल आइडेंटिटी के साथ वो डिस इल्यूजन में कन्वर्ट हो रहा है, और वो एक मतलब उसका वो गुब्बारा छोटा फूट गया, ठीक है, जैसा तुमने बताया। तो जो अवेकनिंग का प्रोसेस वो भी तो यही है कि तुम बूंद हो सागर की, लेकिन खुद को बूंद समझने की गलती मत करना, कि तुम जिस चीज से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो, तुम योहान टेंगरा हो, जो कुछ भी तुमने मेंटल इंप्रेशन से देखा, जो भी तुमने फिजिकली एक्युमुलेट किया, जो कुछ भी मेमोरी है, वो तुम्हें लिमिटेड का आभास कराएगी कि भाई तुम बहुत छोटे से बींग हो, लेकिन जैसे कि तुम्हारे डेविड आइक भी बोलते हैं, यू आर इनफिनाइट कॉन्शियसनेस हैविंग ए टेम्परेरी ह्यूमन एक्सपीरियंस, राइट? तो जब तुम ये गुब्बारा फूटता है, ये इसी चीज के लिए फूटता है कि हम उस कॉन्शियसनेस के स्ट्रीम को एक्सपीरियंस कर सकें हर टाइम, कि भाई हम इनफिनाइट हैं, हम छोटा वो जो बुबला है वो नहीं है। और तो ये बहुत पावर भी आती है ना इसके लिए, जो पावर आती है और इसके साथ धर्म के लिए खड़ा होने की शक्ति आती है कि भाई आई विल स्टैंड फॉर द राइटियसनेस, दुनिया भाड़ में जाए अगर नहीं कोई साथ दे रहा है तो मैं खुद ही काफी हूं अपना साथ देने के लिए, और वो कनेक्शन के बिना आ नहीं सकता। वो जब वो कोर जो स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ है, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस है, उसके साथ जब तक कनेक्शन नहीं बनता वो नहीं आ सकता, नहीं तो तब तक आप सोचते रहते कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कि मैं ये करूंगा मुझे क्या हो जाएगा, मेरी फैमिली को क्या हो जाएगा, पर ये जो हार्ट का कनेक्शन है वो काफी स्ट्रांग है जी, वो हार्ट मतलब कनेक्ट करता है सोर्स से। मेरी भी फटी थी,
जब इन चीजों के बारे में मतलब दोबारा से रिसर्च करने स्टार्ट की थी, लेकिन तब जब तुम देखो, अब हमने सेटन के बारे में जान लिया इस प्रोसेस के थ्रू, राइट, कि भाई शैतान के पुजारी हैं और वो दुनिया चला रहे हैं, तो इससे एक और नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो शैतान का भी बाप है, मतलब जो भगवान है, एक सिक्के के दो पहलू हैं ये, भगवान शैतान। तो जो शैतान है वो भगवान को सर्व करता है एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रावण था वो शैतान की रिप्रेजेंटेशन था, राम था वो भगवान की रिप्रेजेंटेशन था। गेम में आने से पहले, इस धरती पे जन्म लेने से पहले, वो दोनों एक ही थे, मतलब विष्णु का द्वारपाल था वो रावण। तो जो सैटनिज्म से जिससे हम डर रहे हैं, मेरे को भी बहुत डर लगा था भाई, ठीक है, इसके भी ऊपर जो ये जो डार्क मैटर या डार्क एनर्जी जिसे महाकाल बोलते हैं ना ब्रो, ये है जो हर चीज को जोड़ के रखा हुआ है, और हर चीज के अंदर, मतलब तेरे अंदर भी, मेरे अंदर भी, हर किसी के अंदर भी। और किसी ने जागृत करके इसको पॉजिटिव साइड मोड़ दिया है, किसी ने इसको नेगेटिव साइड मोड़ दिया है। सुर और असुर, अब तू म्यूजिक से है, सुर क्या होता है, जो फ्लो में हो, असुर मतलब जो डिसबैलेंस हो। तो ये दोनों ड्यूअलिटीज इस रियलिटी में है ना, दिन है रात है, अच्छाई है बुराई है, अगर बुराई ना होती तो हमें अच्छाई का ना पता लगता। तो तेरे अंदर अच्छाई थी और तेरे अंदर दिल की आवाज ये बोल रही थी कि भाई मैं उस अच्छाई के लिए स्टैंड करूंगा, मैं गुलाम नहीं बनूंगा किसी चीज का, राइट। तो इसलिए तू खड़ा हुआ, इसलिए तू आज जो है, और अभी तो तू कुछ भी नहीं, अभी तो तू बहुत कुछ करेगा भाई, ठीक है, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल शिट होने वाली है, ठीक है। बट जो मेरा एक्चुअल कनेक्शन था वो सिर्फ मटेरियल चीजों या बैंकिंग स्कैम या एजेंडा 21 को समझ के नहीं आता, जब तक मैंने रियल स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को नहीं समझा, कॉन्शियसनेस क्या है, रियलिटी क्या है, रियलिटी कैसे चलती है, नेचर के क्या नियम है, उसको ना पालने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, जब तक मैं वो डीप अकल्ट स्पिरिचुअल गोल्ड में नहीं गया और मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया कि यू नो लव का पावर क्या है दुनिया में, फियर को कैसे यूज किया जाता है लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, अंटिल आई टैप्ड इनटू दैट आई वुडंट हैव बीन एबल टू डू दिस, बिकॉज अदरवाइज मैं सिर्फ सोचते रहता यार मैं इतना सारा काम करने वाला हूँ, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, मेरे आस पास वालों को हो जाएगा कुछ, आई हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेज, लोग मुझ पर हंसेंगे। मतलब मैं तो एलियंस वगैरह के बारे में भी ओपनली बात करता हूँ, जो मैंने काफी रिसर्च किया है, जिसको मैं बैकअप कर सकता हूँ। तो ऐसी चीजों के बारे में आप लोगों की परवाह नहीं कर सकते, उनके ओपिनियंस के बारे में, जो सच है, जो आपको लगता है सच है, वो बोलना पड़ता है। और वो सिर्फ निडरता और बेसिकली जो धर्म की आप बात कर रहे हो, जो राइटियसनेस की बात कर रहे हो, उसके लिए स्टैंड लेना एक मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाता है, जब आप समझते हो कि दुनिया में एक्चुअली क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये इनकी वजह से नहीं चल रहा है, ये जो हम लोग जिनको शिप बुलाते हैं, जो मुझे एक्चुअली लगता है बुलाना नहीं चाहिए हमको, क्योंकि वो फिर उनके लिए एक बैरियर क्रिएट करता है, क्योंकि हम उनको एलिनेट कर देते हैं। पर जिनको हम नॉर्मीज बुलाते हैं या जो लोग अभी तक सिस्टम में अटके हैं, उनका प्रॉब्लम है कि वो एक अभी बबल में सराउंडेड है जिसमें हम भी थे, और उनको फेस नहीं करना कि वो गलत है, उनका पूरा वर्ल्ड व्यू गलत है। तो वो बेसिकली डिनायल में जी रहे, वो एक टाइप ऑफ स्टॉकहोम सिंड्रोम में जी रहे। स्टॉकहोम सिंड्रोम का मतलब, जब एक किसी को अगर आप गुलाम बनाते हो और वो आपकी ही बेसिकली तारीफ करने लगता है, आपको डिफेंड करने लगता है, उसको स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं। तो अभी बहुत सारे जो लोग है उनको गवर्नमेंट ने गुलाम बना के रखा है ये लॉकडाउन के जरिए, पर लोग बेसिकली एक्सेप्ट नहीं करना कि ऐसी चीज चल सकती, हो सकती है, क्योंकि वो बेसिकली डर से कोलैप्स कर जाएंगे अगर उन्होंने एक्चुअली एक्सेप्ट किया कि ये चल रहा है। उसकी वजह से वो लोग डिनायल में जी रहे हैं और कह रहे हैं नहीं यार ये हेल्थ की वजह से हो रहा है, और यू नो देयर इज सम रीजन बिहाइंड दिस, ऐसे ही थोड़ी सब गवर्नमेंट्स करेंगे। अरे भाई कर रहे यार, सबूत पढ़ लो भाई, 30 साल से लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, मजाक नहीं है। तो जब वो के लोगों को, तब जाके रियल अवेकनिंग आएगी। अब और वो आएगा जब, सैडली, जब लोगों की लाइफ बर्बाद होना शुरू होगी, जो अभी हो रही है, उसकी वजह से आप देख रहे हो ज्यादा लोग इसमें रिसेप्टिव हो रहे थे। मेरे दोस्तों का वीडियो हुआ था मास पे, तब तो सारे कमेंट्स थे, सारे कमेंट्स, मतलब ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स, ये कैरेंस है, कोविडियट्स है, ये है वो है, कंस्पिरेसी थियरिस्ट भारत में आ गए वगैरह, मेरे दोस्त ही थे कुछ जिनका वीडियो मास का वायरल हुआ था। पर अभी क्या चेंज हुआ एक साल में, मेरा वीडियो जस्ट अभी वायरल हुआ, मैंने ऑलमोस्ट व्हाट्सएप पे तो पूरा वायरल है, फेसबुक पे 2 मिलियन हो गए, इंस्टाग्राम पे 500,000 हो गए ऑलमोस्ट। तो उधर कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं के यू नो मतलब रेशियो है लाइक 2:1 या 3:1, 2 के 3 अच्छे कमेंट और एक मतलब ये कौन है भाई क्या बोल रहा है वैसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चेंज डेफिनेटली हो रहा है। यू नो एक साल में हमने भारत में बहुत प्रोग्रेस बनाई है, और मैं हमारे कम्युनिटी के लिए काफी बड़ी विन मानूंगा, क्योंकि एक साल के पहले यहाँ पे कोई कल्चर नहीं था, यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स नहीं थे इतने,
यहाँ पे कोई सॉर्ट ऑफ मोबिलाइजेशन नहीं था, लोगों में सीरियसनेस नहीं थी. मतलब लोग जानते थे यार, मतलब आप यूट्यूब पे देखोगे तो वो इल्यूमिनाटी के म्यूजिक वीडियो वगैरह वो सब हम भी देखते थे 8th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, पर इसको कोई सीरियसली नहीं लेता था. मतलब ये सब सिर्फ चल रहा है कुछ, पर हमारी लाइफ को अफेक्ट. अब एक्चुअली हमारे घर पे आ गए ये लोग. If you see, वो like, लिटिल नैस वाला गाना देखा क्या तूने? वो लिटिल नैस वाला 666 शूज वाला, वो जो जूते बनाए नाइकी के साथ. हाँ, वो नाइकी ने तो सू कर दिया उनको. वो नाइकी मेरा एक्चुअली वो जूते बनने के पहले ही मेरे एक्चुअली आप हाइलाइट्स में देखोगे मेरे पर्सनल अकाउंट पे, तो मैंने स्टोरी डाला था सेटनिज्म का. उसमें उस यू नो जो जिसका वीडियो मैंने पोस्ट किया था वो रेड शू सोसाइटी की बात कर रहे थे कि कैसे ये लोग उनके रिचुअल में बेसिकली बच्चों को स्लॉटर करके उनके पिज़ा गेट वाले ना शायद जूते नहीं जूते बनाते हैं उनके उनके जो स्किन रहता है उनकी खाल निकाल के और उनके जो खून रहता है उसको जूते पे डिप करते हैं. इसको रेड शू सोसाइटी बोलते हैं. असुर करते आए हैं. अब तू अंग्रेजी नाम कुछ भी बता दे, लेकिन ये पहले बहुत पहले से होता है, ये सारे काम हमेशा चलते हैं. बट एक चीज सोच के बता कि फाइनल हम इस कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं कि एक झूठ का संसार बनाया रखा है, झूठ का एम्पायर खड़ा हुआ है. ठीक है, कितने दिन तक खड़ा रहेगा भाई झूठ का, करप्ट का एम्पायर? तो खुद गिर जाएगा, हमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत भी नहीं है. मतलब मेरे ख्याल से तू भी कोई एफर्ट नहीं लगा रहा है, योर लाइफ इज एफर्टलेस. और अभी तेरे को ये प्रकृति या फिर ये मैट्रिक्स रिवॉर्ड कर रही है उस चीज के लिए जो तूने स्टैंड लिया. ठीक है, मेरे लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो मैं मतलब ऑलमोस्ट जाने ही वाला था. मुझे लगा अब ये हो गया, अब इसके मतलब ये हो गया तो फिर काम नहीं होगा, मतलब मैं इधर जेल जाऊंगा या कुछ हो जाएगा. पर लास्ट मिनट में किसी चीज ने आके टर्न अराउंड कर दिया है. मतलब लगता था कि भाई ये तो मतलब हो ही गया और फिर मतलब बच गया वैसे. सो ऐसे अरे, मतलब बचने वाला सीन ही नहीं है कोई भी. एक्सपीरियंसेस है भाई जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो जिससे मुझे पता है कि मैं कुछ समथिंग इज लुकिंग आफ्टर मी फॉर व्हाट आई एम डूइंग. सो मेरे योर स्पिरिट गाइड्स आर लुकिंग आफ्टर यू. Your angels are looking after you. So many people from the non-physical domain are looking after you. जिनको गण बोलते हैं, ठीक है? अब किसी को ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगी ये चीज. तो ये non-physical beings होते हैं जो आपकी protection के लिए हैं, और इन्हीं का है game सारा का सारा. अगर आप इसके अंदर astral projection के बारे में आपने अगर सुना हो, तो जो ये physical world के अंदर जो astral plane है ना भाई, उस पे भी इनका control है, जो physical world को control करके बैठे हैं आज के दिन. पता है, जैसे पहले भी आपने सुना होगा कंस कहता था कि मैं त्रिलोकपति कंस, यानी कि तीनों लोकों का पति कंस, जो हेवन हेल और जो अर्थ है, जो मतलब एक रेंज के अंदर बना रखा है कि भाई हाई वाइब्रेशन लो वाइब्रेशन बीच में. तो इस पे बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो असुर हैं उनका राज रहा है, अभी भी वही है, लेकिन उनको खत्म करने के लिए तुम्हारे जैसे लोग आते हैं. भाई तुमने लिटरली ये बोला नहीं है कि यदा यदा ही धर्मस्य, तुमने प्रूफ किया है भाई, समझ रहे हो? हर किसी के अंदर वो शक्ति नहीं होती है कि इस चीज के लिए स्टैंड ले पाए, जबकि ये दिख रहा है तुम्हें कि भाई गेम तो हारेंगे, कि गेम तो मतलब ऐसा दिख रहा है कि सामने वाली जो फौज है ना वो इतनी स्ट्रांग है कि तुम कुछ नहीं कर सकते. अब पहले लगता था, अब नहीं लग रहा है, क्योंकि अब जिस तरीके से मोमेंटम चल रहा है यहाँ पे उस तरीके से होप तो आती है. मैं नाइवली ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, मुझे इतना भी दिखता है कि जहाँ पे हम होने चाहिए वहां पे तो नहीं है डेफिनेटली, पर प्रोग्रेस दिख रहा है. मतलब चांस तो है डेफिनेटली कि इसको अवॉइड कर सकते हैं. और बस मतलब देखो, मैं ये नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को स्टॉप कर देंगे या ऐसा कुछ. मैं बस करता हूँ क्योंकि वो मतलब मैं अगर नहीं करूंगा तो वो मेरे यू नो सेंस ऑफ राइटियसनेस या मोरालिटी के अगेंस्ट जाएगा. तो मेरा वो मतलब आउटकम बेस्ड अप्रोच नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये रोकना है. मेरा एक प्रिंसिपल्ड अप्रोच है कि मैं झूठ और यू नो किसी भी व्यक्ति के राइट्स वायलेट होके मैं देख नहीं सकता, क्योंकि अगर उसके राइट्स वायलेट हो रहे तो सबके राइट्स वायलेट हो रहे हैं. और मैं फ्रीडम में मानता हूँ, मुझे बेसिक नेचुरल लॉ में मानता हूँ. मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो पूरी तरीके से गुलामी का सिस्टम है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज लीगलाइज गुलामी है वो, और टैक्सेशन चोरी है. तो मैं बेसिकली फंडामेंटल लेवल पे जो हमारे साथ इंस्टीट्यूशन लेवल पे जो क्राइम हो रहा है ये बेसिकली ह्यूमन स्लेवरी है, और मैं ह्यूमन स्लेवरी को सपोर्ट नहीं कर सकता. इसके लिए मैं सब चीज के खिलाफ. राइट. अरे यार मैं भी तो खिलाफ हूँ, तभी तो मैं भी यही कर रहा हूँ. नहीं, सही भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा. धन्यवाद. चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत. Vishnu, chal wake up bro. Vishnu, you are Vishnu, chal wake up bro. You are the writer of your